इस रास्ते से तो, तो मैं आ नहीं सकता हूं इस रास्ते से अगर से में आ रहा हूं ऐसे में आ रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों ट्री और बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक कवर करेंगे बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक टारगेट लाइक देना चाहता हूं इस वीडियो के लिए 500 और टारगेट कमेंट देना चाहता हूं 100 उम्मीद है कि आप इस टारगेट को पूरा करोगे जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम जल्दी जल्दी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाएंगे तो दोस्तों इसके पहले ऑलरेडी मैंने ग्राफ थेरी का पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है इसके साथ मैंने डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स में बहुत सारे यूनिट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं आप प्ले में से जाकर देख सकते हो और आपको कौन सा यूनिट चाहिए आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो तो दोस्तों इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके पूरा का पूरा एंडिंग तक सुनना है स्टार्टिंग का पार्ट अगर आपने सुना बीच का पार्ट अगर आपने नहीं सुना या लास्ट का पार्ट नहीं सुना हो सकता है कि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या इंफॉर्मेशन हो तो हो सकता है कि आगे का पार्ट आपको न समझे तो इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का पार्ट आपको बहुत अच्छे समझना है तो दोस्तों ऑलरेडी हमने ग्राफ थेरी का पार्ट कंप्लीट किया उसके बाद हम ट्री का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्री जो है वो एक तरह का दोस्तों ग्राफ ही है तो इसलिए यहां पे देखो डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है ट्री इज अ सिंपल कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट तो यहां पे ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि वहां पे कोई आपको सर्किट नहीं दिखाई देगा मतलब वहां पे आपको कहीं पे भी क्लोज लूप नहीं दिखाई देगा फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैं ऐसा बना रहा हूं ये देखो ये मैंने बनाया अगर सपोज मैंने इसे क्लोज कर दिया क्लोज कर दिया तो बताओ इसको आप ट्री बोलोगे नहीं बोलोगे तो कहीं पे भी क्लोज नहीं दिखाई देना चाहिए बताओ ये ट्री है कि नहीं है ये एक तरह का ग्राफ तो दिखाई दे रहा है दोस्तों कहीं पे क्लोज है यस तो नहीं है मतलब ये ट्री है यस तो मतलब ये ट्री है यस कमेंट करके बताओ ये ट्री है कि नहीं है कहीं पे क्लोज है नहीं तो है मतलब ये भी ट्री है और कनेक्टेड भी है दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे देखो ये भी कनेक्टेड है और कहीं पे भी क्लोज नहीं है तो मतलब ये भी ट्री है दोस्तों ये भी ट्री है कहीं पे भी आपको लूप नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों ये भी ट्री है कहीं पे भी लूप नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों ये भी ट्री है एक वर्टेक्स भी अगर आपको दिखाई देगा उसको भी आप क्या बोलोगे ट्री बोलोगे अब कुछ और एग्जांपल्स मैं लेकर आया हूं बताओ ये ट्री है यस yes, सर ये भी ट्री है कहीं पे भी आपको क्लोज नहीं हाँ अगर इनकेस ऐसा अगर क्लोज हो गया होता तो दिक्कत हो जाता तो ये भी आपका क्या है दोस्तों बताओ ये ट्री है कि नहीं है चलो कॉमेंट करके बताओ क्या बात है ये भी ट्री है तो दोस्तों अब इनडायरेक्टली आप ग्राफ में ट्री के बारे में तो आप लगभग आपको समझ में आ गया अब मुझे बताओ क्या ये ट्री है सर सर ये ट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लोज लूप बना है यस वेरी गुड ये ट्री है सर नहीं है सर ये ट्री है नहीं है मतलब आपने ट्री के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है बहुत सारे डेफिनेशन है और सभी डेफिनेशन मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि इसके अंदर थियरी का पार्ट भी आता है तो थियरी के पार्ट में आपको डेफिनेशन लिखने होंगे बहुत ही अच्छे से लाया हूं मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट बोलूंगा लेने के लिए या तो चाहिए तो इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पर स्क्रीन शॉट ले तो आपको दिक्कत नहीं रहेगा देखो सभी चीजें सभी डेफिनेशन में यहां पे लेकर आया हूँ बट अगर मैं ये डेफिनेशन ऐसे बताऊं तो मजा नहीं आएगा मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसके पहले ही मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिससे आप डेफिनेशन आपको अपने आप याद हो जाएंगे तो दोस्तों यहां पे देखो सबसे पहले जो पहला डेफिनेशन है दोस्तों देखो ये यह यहाँ पे हमने एक तरह का ट्री लिया है अब यहाँ पे अगर आप देखोगे रूट ऑफ द ट्री सबसे पहला डेफिनेशन है दोस्तों रूट ऑफ दी ट्री वैसे आप डेफिनेशन पार्ट में पढ़ोगे तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है या ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है इसमें रूट ऑफ द ट्री कौन सा हो सकता है दोस्तों तो ये वाला पार्ट होगा ट्री जैसे अगर समझो मैंने ये वाला पार्ट लिया तो आपको यह देखना है कि इसके ऊपर और कोई पार्ट नहीं है क्या है इसके ऊपर और पार्ट है मतलब ऐसा पार्ट को हम रूट ऑफ द ट्री बोलेंगे जिसके ऊपर कुछ ना हो और वहीं से सभी चीज की स्टार्टिंग हुई हो तो दोस्तों अगर मैं ये वाले पार्ट को लूंगा तो भाई इसके ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं अगर सपोज मैंने ये वाले पार्ट को लिया तो इसके ऊपर दोस्तों कुछ नहीं है और यहाँ से पूरे ट्री की स्टार्टिंग हुई है तो मतलब इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों रूट ऑफ द ट्री और यहां से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा दोस्तों फॉर्म होगा और उसके ऊपर कोई आपको पेरेंट रूट दिखाई दे रहा है क्या उसके ऊपर पेरेंट नोट दिखाई दे रहा है? क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब ये क्या है हमारा दोस्तों रूट ऑफ द ट्री तो ये पहला वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों रूट ऑफ द ट्री क्या है डायग्राम में नेक्स्ट आता है दोस्तों डिग्री ऑफ नोट ऑलरेडी हमने ग्राफ थ्योरी में डिग्री पढ़ा था वहां पर डिग्री पढ़ने का तरीका अलग था यहां पे अलग है यहां पे आपको डिग्री पढ़ते टाइम बस नीचे देखना है यहां पे अगर समझो जो भी नोड है जो भी वर्टेक्स है उसके आपको नीचे चेक करना है कि उससे कनेक्टेड कितने लोग हैं बस नीचे देखना है ऊपर नहीं देखना है ऊपर देखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा ग्राफ थेरी वाला पार्ट अलग था यहाँ पे अलग है सपोज अगर मुझे किसी भी पार्ट का डिग्री निकालना है सपोज ए का डिग्री निकालना है तो ए से मैं अगर नीचे देखूंगा तो ए से कनेक्टेड क्या है यहां से ये भी कनेक्ट है ये भी कनेक्ट है ये भी कनेक्ट है।, है मतलब वन टू थ्री तो ए का डिग्री कितना आएगा दोस्तों थ्री अगर सपोज मैं बी का डिग्री निकालू तो बी से भी मुझे कहां पे देखना है ऊपर नहीं देखना है मुझे नीचे देखना है तो बी से अगर मैं नीचे देखूंगा तो वन टू थ्री ये तीन चीजें कनेक्टेड है मतलब इसका भी डिग्री कितना हो गया दोस्तों थ्री अगर मैं डी से देखू डी कहां पे है दोस्तों ये यह देखो यहां पे डी से अगर सपोज मैं नीचे देखू तो भाई डी से तो नीचे एक ही दिख रहा है और कुछ कनेक्टेड नहीं ऊपर आपको नहीं देखना है तो डी का डिग्री कितना है वन वैसे आप रिमेनिंग डिग्री ये दोनों के डिग्री आप प्लीज कॉमेंट करके मुझे बताओ इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझना है और जब भी एग्जाम में आपको डिफाइन करके आए अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आप डायग्राम ड्रॉ करो और डेफिनेशन तो आप लिखो ही पर डायग्राम से आप चीजों को एग्जाम्पल के साथ अगर एक्सप्लेन करके देते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अब चलते हैं दोस्तों आगे देखो नेक्स्ट यहां पे पाथ ऑफ द ट्री पाथ मतलब आपको पता है एक रास्ता अब दोस्तों यहां पे अगर पाथ ऑफ द ट्री तो आपको क्या करना है यहां से कोई भी पाथ आप सिलेक्ट कर लो सपोज अगर समझो ये देखो पे एक पाथ है बहुत सारे इसमें पाथ पाथ बन रहे हैं पर मैं पे एक path आपको दिखा रहा हूं देखो यहां से देखो ये एक पाथ है तो इसलिए मैं देखो यहां पर लिखा ए बी जी के ऐसा पाथ है वैसे आप ये वाला पाथ वालाडर कर सकते हो तो ऐसे पाथ आप कंसिडर करोगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेरेंट नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेरेंट नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट नॉट मतलब देखो यहां पे अगर समझो मैंने ये देखो ये तीन चीजें ली तीन नोट लिया मैंने बी लिया और दूसरा मैंने सी लिया और मैंने डी लिया अब ये तीनों कनेक्टेड किससे हैं दोस्तों आप वो चेक करो ये तीनों कनेक्टेड किससे हैं ए से है तो मतलब ए इनका ये तीनों का ए क्या है दोस्तों पेरेंट नॉट है अगर मैं सपोज मैं ये देखूं ई एफ जी कनेक्टेड किससे ये तीनों तीनों किससे कनेक्टेड है बी से तो मतलब ये इसका क्या है ये तीनों का ये क्या है पेरेंट नॉट है दोस्तों ये सी सी है किससे कनेक्टेड है दोस्तों ए से तो मतलब ए वाला इसका क्या है दोस्तों तो मतलब आपको पेरेंट नॉट देखना है तो ऊपर देखना होगा कि स्टार्टिंग इनका कहां से हुआ था जैसे अगर समझो हमारे पेरेंट्स के बारे में पता करना है तो हमसे पहले ही ऊपर देखना होगा ना कि हमसे पहले कौन थे

एच है इसका चाइल्ड एक ही चाइल्ड है अगर आप देखोगे सी का तो भाई सी का तो कोई चाइल्ड नहीं है क्योंकि सी के नीचे कुछ नहीं है मतलब बिना चाइल्ड के हैं अगर आप एच की बात करोगे तो एच के कितने चाइल्ड है कॉमेंट करके बताओ और I के कितने चाइल्ड है वो भी आप कॉमेंट करके मुझे बताओ अब दोस्तों यहाँ पे सिबलिंग सिबलिंग मतलब आप समझ गए कि एक पेरेंट्स के समझो ये देखो तो ये बी वाले पेरेंट्स है देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ए वाले पेरेंट्स हैं इसके तीन बच्चे हैं बी सी डी देखो मैंने लिखा है तो दोस्तों ये आपस में क्या हो गए सिबलिंग हो गए अगर समझो वैसे मैं बी के लिया बी के कितने बच्चे हैं ई है एफ e है जी है, है देखो ये तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों सिबलिंग है अगर सपोज मैं बोलू सी वाला ई e का सिब्लिंग है क्या नहीं है दोस्तों क्योंकि इसके पेरेंट्स अलग हैं इसके पेरेंट्स अलग है अगर पेरेंट्स अलग अलग हैं तो सिबलिंग नहीं है दोस्तों अब दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट है लीफ नोड लीफ नोड मतलब एंडिंग एंडिंग दोस्तों अब एंडिंग यहां पे कहां पे हो रहा है सबसे ज्यादा एंडिंग अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे और सबसे पहले इस ऐसे नोट का डिग्री हमेशा क्या होता है दोस्तों जीरो होता है 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 तो अगर मैं एंडिंग पे एक के 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 दिख रहा है? अब के के नीचे कोई है, उसका कोई चाइल्ड है नहीं है मतलब उसका डिग्री जीरो है वैसे मैं यहाँ पे आई ले सकता हूं ये भी एक तरह का लीफ नोड है तो ऐसे लीफ नोड मतलब जहां पे एंडिंग हो रहा है उसे आप क्या कर सकते हो दोस्तों लीफ नोड कंसिडर कर सकते हो इंटरनल नोड जो लीफ नोड और रूट नोड के बीच में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों इंटरनल नोड देखो आप देखो यहाँ पे अगर समझो ये रूट नोड है और ये सब लीफ नोड है एंडिंग पॉइंट है तो इसके बीच में क्या क्या आया दोस्तों देखो एक बी आया तो देखो बी है एक जी आया जी है एक सी आया डी आया एच आया तो ऐसे ये सब सॉरी सी नहीं आएगा सी भी एंडिंग पॉइंट है सी भी एक तरह का क्या है लीफ नोड है देखो ना ये भी एंडिंग पॉइंट है ना दोस्तों देखो एंडिंग पॉइंट है तो ये तीन चीजें जो बीच में आ रहे हैं वो हम क्या बोलेंगे उससे इंटरनल नोट अब दोस्तों इसके बाद लीफ नोट को ही हम एक्सटर्नल नोट भी बोलते हैं अब नेक्स्ट है लेबल ऑफ ट्री अब देखो दोस्तों लेबल बहुत ईजी है देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस फ्रॉम रूट नोट टू लीफ नोट तो ऑलरेडी यहाँ पे हर एक डायग्राम में लेबल लिखा हुआ है तो देखो ये रूट नोट को मैंने लेबल जीरो दिया ये हमेशा याद रखना पहले वाले को आपको क्या करना है रूट वाले को जीरो कंसिडर करना है देन उसके बाद जो नोट पे आपको दिख रहा है उसको लेबल वन आपने दिया फिर आपने इसको क्या दिया दोस्तों लेबल टू दिया फिर यहाँ पे आपने क्या दिया इसको लेबल थ्री तो आप ऐसे बता सकते हो समझो बी का जो लेवल वो कितना है वन है तो आप जैसे जैसे स्टेजेस पे आओगे जैसे अगर समझो देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टेजेस फ्रॉम रूट नोट तो अगर समझो इसका जो स्टेज है रूट नोट से कौन से नंबर पे आ रहा है उसके हिसाब से तो इसका कौन सा आएगा लेबल थ्री और रूट को हम क्या कंसिडर करेंगे जीरो फिर उसके बाद वन फिर उसका टू अगर फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे में बना रहा हूं यहाँ पे देखो अगर समझो यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे है हुँ? फिर यहाँ पे और यहाँ पे अब मुझे बताओ लेबल चलो बताओ लेबल वन पे कौन होगा तो देखो भाई ये जीरो पे होंगे लेबल जीरो है इनका ये दोनों का लेबल क्या होगा दोस्तों वन ये लोग का लेबल क्या होगा दोस्तों ये लोग का लेबल क्या होगा टू और ये लोगों का लेवल क्या होगा दोस्तों थ्री तो वही है कि नंबर ऑफ स्टेजेस फ्रॉम रूट नोड तो ये इसको आप नंबर ऑफ स्टेजेस फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हम पता कर सकते हैं कि रूट नोड से नंबर ऑफ स्टेजेस कितने उसे हम क्या लेंगे अब चलते हैं दोस्तों आगे अब आगे हम देखेंगे दोस्तों डेप्थ ऑफ नोड अब देखो यहाँ पे दोस्तों डेप्थ की अगर बात आती है तो सबसे पहले आपको यह समझना है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया जी और अगर मुझे डेप्थ ऑफ नोड फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना है जी से रूट नोट तक जाना है तो कितने एजेस आ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे डेप्थ ऑफ तो यहां से देखो मैं जाऊंगा पहला एज यहां से जा रहा हूं दूसरा एज तो यहां पे टोटल कितने एजेस आए दो मतलब इसका डेप्थ ऑफ कितना आ गया दोस्तों वैसे ही अगर सपोज मैं एच से जा रहा हूं मुझे रूट नोट तक ही जाना है तो कभी भी अगर आपको डेप्थ किसी भी नोट का निकालना है तो आपको रूट से क्या करना है कंपेयर करना है कि कितने एजेस से मैं जा रहा हूं उसी एज को मैं क्या लूंगा दोस्तों डेप्थ ऑफ नोट अब दोस्तों आगे मैं चलता हूं इसके बाद दोस्तों हाइट ऑफ द ट्री हाइट ऑफ अ ट्री अगर आपको कभी भी निकालना है तो दोस्तों आपको हमेशा रूट नोट से स्टार्ट करना है और सबसे नीचे आना है सबसे नीचे मतलब लीफ नोट पे आना है और ऐसे वाले लीफ नोट पे आना है जो सबसे नीचे हो और उसके बीच में जितने एजेस हैं उसे आप क्या बोलोगे हाइट ऑफ अ ट्री फॉर एग्जाम्पल सबसे नीचे दोस्तों ये दिख रहा है और यहाँ पे एक ये दिख रहा है सबसे लास्ट में अगर सपोज मैं यहाँ से रूट नोट से अगर मैं आऊं इस रास्ते से तो मैं आ नहीं सकता हूं इस रास्ते से अगर सपोज मैं आ रहा हूं ऐसे में आ रहा हूं ऐसे में आ रहा हूं

तो यहां पे आपको क्या करना है मैक्सिमम नंबर किसके पास है दोस्तों मैक्सिमम नंबर कौन से नोट के पास मैक्सिमम नंबर है तो ए और बी के पास मैक्सिमम नंबर कितना था थ्री था तो इसलिए डिग्री ऑफ ट्री कितना आएगा दोस्तों थ्री तो जो मैक्सिमम नोट की जो डिग्री होगी वही क्या आएगा दोस्तों डिग्री ऑफ ट्री आएगा तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ट्री को हम क्या लेंगे थ्री लेंगे बहुत ही अच्छे से हम चीजों को कवर कर रहे हैं यहाँ पे देखो दोस्तों डेफिनेशन है देखो क्या लिखा है देखो रूट नोट का डेफिनेशन इन्होंने क्या लिखा है रूट नोट इज अ ओरिजिन ऑफ द ट्री ओरिजिन मतलब वहीं से ट्री की क्या होती है दोस्तों स्टार्टिंग होती है उसके बाद आप याद यद रख सकते हो रूट नोट इज यूनिक यहां पे इसके बाद क्या लिखा है दोस्तों रूट नोट डज नॉट हैव एनी पेरेंट नोट जो चीजें मैंने आपको बताया वही डेफिनेशन में लिखा है डिग्री ऑफ नोट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर वहां पे आपको पता करना है तो देखो यहां पे लिखा है डिग्री ऑफ नोट इज द नंबर ऑफ चाइल्ड नोड आर कनेक्टेड टू इट तो यहाँ पे दोस्तों डिग्री ऑफ नोड है ये डिग्री ऑफ ट्री नहीं है तो अगर आपको कभी भी डिग्री ऑफ नोड निकालना है तो उस नोड से कितने चाइल्ड कनेक्ट है वही उसका डिग्री है तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे दोस्तों पाथ लिखा है एक्चुअली ये पाथ होगा पाथ ऑफ अ ट्री मैंने आपको बताया सिक्वेंस एक रास्ता तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देन दोस्तों मैंने आपको पेरेंट नोट बताया यहाँ पे नोट लिख दो पेरेंट नोट क्या होगा दोस्तों पेरेंट नोट मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर देखना है आपको कि वो उसका स्टार्टिंग कहां से हुआ था इसके पहले वो किससे आया था तो उसे हम क्या बोलेंगे उस नोट को पेरेंट नोट चाइल्ड नोट मतलब आपको नीचे देखना है जैसे अगर समझो कहीं पे भी कोई नोट है उससे कनेक्टेड जो है उसके चाइल्ड है सिबलिंग मतलब एक ही पेरेंट से कितने नोट जा रहे हैं तो वो एक दूसरे के क्या हो गया दोस्तों सिबलिंग हो गया ये भी आपको समझ में आ गया नेक्स्ट है दोस्तों लीफ नोड मतलब जो सबसे एंडिंग में होगा और जिसका डिग्री क्या होगा जीरो होगा इंटरनल लोड एक्सटर्नल लोड आपको पता चल गया एक्सटर्नल लोड एक तरह का लीफ नोड ही है अब दोस्तों इसके बाद लेवल ऑफ ट्री आपको ये भी मैंने डायग्राम से बता दिया देन डेप्थ ऑफ ट्री डेप्थ ऑफ नोट भी मैंने बताया कि आपको कोई भी अगर आप नोट ले रहे हो वहां से रूट नोट तक आपको जाना है और चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं वही उसका क्या है डेप्थ ऑफ नोट है देन हाइट ऑफ अ ट्री मैंने आपको बताया था कि हाइट ऑफ अ ट्री इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड पाथ बिटवीन द रूट नोट एंड लीफ नोट मैंने बोला कि रूट नोट से अगर आप लीफ नोट की ओर जा रहे हो तो जो सबसे जो जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ रहेगा वही क्या रहेगा आपका हाइट ऑफ अ ट्री रहेगा देन दोस्तों इसके बाद दो प्रॉपर्टीज है यहां पे ये प्रॉपर्टीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं देखो पहला वाला प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है कि इसके अंदर अगर आप डायग्राम देखोगे देखो पहला वाला प्रॉपर्टीज क्या बोलना चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे के पे आना है तो के पे आने के लिए एक यूनिक रास्ता है यहां पे ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि ये कैसा है दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो ये इसके अंदर कोई भी सर्किट नहीं है तो के पे आने के लिए हमेशा एक ही रास्ता होगा देखो मैं अगर के पे आ रहा हूं मैं बोलूंगा इस रास्ते से आना चाहूंगा नहीं आ सकता यहां से भी यहां ही से केवल का केवल यहां से आ सकता हूं तो यूनिक हमेशा यहां पर आप किसी भी अगर कहीं पे भी आप आना चाहते हो तो एक ही रास्ता आपको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल मैं एच पे आना चाहता हूं तो एक ही रास्ते से आ सकता हूं देखो यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है तो यहां पे यही चीज आपको प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में बोला गया एंड प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में आपको क्या बोला गया कि अगर आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स पता है तो आप नंबर ऑफ एजेस क्या कर सकते हो दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ वर्टेक्स जितना होगा एजेस का नंबर हमेशा माइनस वन होगा मतलब उससे एक कम होगा फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं वर्टेक्स काउंट करूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन वर्टेक्स है मतलब एजेस कितने होंगे नाइन चेक करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव

सेंटर ऑफ ट्री में हमें क्या करना है दोस्तों दो चीजें पढ़ना है सिटी पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है दोस्तों सेंटर देखो अगर आपको कभी भी सिटी फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल अगर समझो ए वाले जो यहां पे आपको वर्टेक्स दिख रहा है अगर समझो इस नोट का अगर आपको इसेट्रिसिटी फाइंड आउट करना है तो यहां से यहां से दोस्तों आपको जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर आपको जाना है और देखना है कि जो सबसे दूर वाला होगा वही आपका आंसर होगा फॉर एग्जाम्पल मैं देखो ए से जा रहा हूं एक मेरा रास्ता ये हो सकता है पर यहाँ पे कितने एजेस आ रहे दो ही आ रहे यहां से अगर मैं जा रहा हूं वन टू थ्री फोर ऐसे भी मैं जा सकता हूं पर यहां पे फोर आ रहा है तो वन टू थ्री यहां पे आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव यहां तक जाने के लिए दोस्तों सबसे बड़ा रास्ता मुझे फाइव वाला मिला तो जो सबसे एक बड़ा रास्ता होगा वही मैं चॉइस करूंगा इसलिए इसका सेंट्र इस सिटी मैंने क्या लिखा ई ऑफ इक्वल टू फाइव वैसे मैं बी का निकालने की कोशिश करूं तो बी का भी देखो वन टू थ्री फोर फाइव ये भी फाइव आया सी का अगर मैं निकालने की कोशिश करूं देखो सी के पास ऑप्शन एक यहां पे भी जा सकता है यहां पे भी और यहां पे भी तो यहां यहां पे तो वन है तो यहाँ पे अगर जा रहा है तो वन टू थ्री अगर यहां पे जा रहा है तो थ्री वन टू थ्री यहां पे जा रहा है वन टू थ्री फोर तो सबसे मैक्सिमम फोर है इसलिए यहां पर फोर लिखा है यहां पे अगर आपको डी वाले पॉइंट का निकालना है तो दोस्तों इसके पास ऑप्शन है इस साइड जाए या इस साइड इस साइड जा रहा है तो वन टू वन टू वन टू थ्री वन टू तो थ्री वाला लेगा तो थ्री जो मैक्सिमम है ई e वाले का अगर आप निकालना चाहते हैं ई e वाले का देखो वन टू थ्री वन टू थ्री फोर वन टू थ्री मतलब फोर वाला, वाला मैक्सिमम होगा तो डी का दोस्तों फोर आना चाहिए यहां पे देखो ई e से सॉरी डी का ई e का फोर आना चाहिए तो ई e का हमने लिखा का भी हमने कर लिया अब एफ का अगर आप निकालना चाह रहे हो तो एफ देखो यहाँ पे अगर एफ निकालना चाह रहे हो तो दोस्तों और F के लिए एक थ्री है, है, तो है।, तो है।, तो है मैक्सिमम तो वैसे आप सभी के क्या कर सकते हो दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हो अब यहाँ पे आपने इस सेंटर सिटी का तो कॉन्सेप्ट समझ लिया अब नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों सेंटर अगर आपको कभी भी सेंटर फाइंड आउट करना तो इसमें मिनिमम जो वैल्यू है वही आपका सेंटर है मिनिमम वैल्यूज कितने हैं दोस्तों यहाँ पे थ्री है मिनिमम वैल्यूज यहां पे कितने हैं दोस्तों थ्री हैं तो मतलब ये क्या है दोस्तों आपका सेंटर है तो मतलब इस जो यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा है जो ट्री दिखाई दे रहा है इसमें सेंटर कौन सा हो सकता है दोस्तों इसमें सेंटर दोस्तों पॉइंट डी है एंड पॉइंट एफ है वैसे तो यहाँ पे देखो डी है और कौन सा है दोस्तों एफ है तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस चीजों को समझ सकते हो अब देखो इसके आगे जो जो पार्ट आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे क्या है दोस्तों कट वर्टेक्स ऑफ ट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर कभी कभार पूछ सकते हैं इसमें से कट वर्टेक्स ऑफ ट्री उसे बोलेंगे जिसकी वजह से हमारा ट्री दो अलग अलग ट्री या तो दो अलग अलग ग्राफ में क्या हो जाएगा दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैं और वो हमेशा दोस्तों जो लास्ट वाला जो वर्टेक्स है वो वाला नहीं होगा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर समझो यहां से कर रहा हूं ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं यस हो जा रहा है इस वाले पॉइंट से भी दो पार्ट में हो जाएगा ये वाले पॉइंट से भी दो पार्ट में हो जाएगा ये वाले से भी हो जाएगा ये वाले से भी हो जाएगा दोस्तों बट ये जो ये जो दिखाई देते हैं ना लास्ट के ये वाले से कभी नहीं होंगे ये वाले से अगर आप करने जाओ तो कैसे होगा नहीं हो पाएगा ये वाले से भी नहीं हो पाएगा ये वाले से भी नहीं होगा ये वाले और इसके अलावा जितने हैं वो आपका क्या है दोस्तों कर्ट वर्टेक्स ऑफ ट्री है तो ये बस आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए नेक्स्ट है दोस्तों रूटेड ट्री रूटेड ट्री तो आपको बहुत सिंपल सा मैं बता सकता हूँ रूटेड ट्री के अंदर आपको बस क्या याद रखना है दोस्तों कि जो रूट वर्टेक्स है वो हमेशा उसका इनकमिंग डिग्री जो है दोस्तों वो जीरो होना चाहिए अभी जैसे ये रूट वर्टेक्स है इसका इनकमिंग डिग्री कितना है इसके ऊपर कोई वर्टेक्स आ रहा है दोस्तों नहीं आ रहा तो मतलब इसका इनकमिंग inc मतलब इसके ऊपर आना तो इसके ऊपर कोई नहीं आ रहा है ये सबसे ऊपर है तो इसका इनकमिंग वर्टेक्स क्या है दोस्तों जीरो है और यहां पे जो लीफ नोड है जितने भी दोस्तों लीफ नोड है लीफ मतलब एंड वाले ये 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 ये, ये। यहां से कोई आउट जा रहा है इसके बाद कोई है क्या कोई नहीं है मतलब सभी के डिग्री आउट गोइंग डिग्री क्या है दोस्तों जीरो है यहां पे कोई इन नहीं कर रहा है और यहां से कोई आउट नहीं कर रहा है तो इसलिए जहां पे ऐसा कुछ रहेगा उससे बोलेंगे दोस्तों अब दोस्तों हैं नेक्स्ट 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 पार्ट की ओर अब देखो यहां पे हमारा पार्ट है दोस्तों एम एम एरे ट्री। एम, एरे ट्री ट्री में हमें क्या देखना है दोस्तों देखो यहां फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम दिया है इस डायग्राम को इस स्ट्रक्चर को अगर हमें चेक करना है तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इससे कनेक्टेड कितने दोस्तों टू नोड है इससे कनेक्टेड इसका चाइल्ड टू नोड है इसका अगर आप डिग्री की बात करोगे टू तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना है टू आया तो जो मैक्सिमम नंबर आएगा उससे आप मैक्सिमम नंबर की बात करोगे तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है इससे कनेक्टेड कितने हैं दोस्तों थ्री है इससे देखो वन टू थ्री इससे कनेक्टेड कितने हैं दोस्तों टू है इससे कनेक्टेड कितने हैं दोस्तों वन है इससे कनेक्टेड कितने हैं वन है इससे कनेक्टेड कितने हैं दोस्तों वन है तो मैक्सिमम तो नंबर कितना है दोस्तों थ्री आया तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे थ्री एम यहाँ पे अगर आप कनेक्ट बोलोगे तो दोस्तों टू है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रेगुलर आप बोल सकते हो या तो फुल भी बोल सकते हो रेगुलर एम एरेट्री देखो यहाँ पे लिखा है एवरी नोड हैज एग्जैक्टली एम चाइल्ड मतलब कि सभी के सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों रेगुलर या तो उसे आप फुल भी बोल सकते हो और यहां पे नीचे वाले का भी अगर आप कंसिडर करोगे तो वन 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 आएगा तो यहां पे देखो डेफिनेशन लिखा है हैज एट एट मोस्ट मोस्ट एम नंबर ऑफ चाइल्ड मतलब आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा जो नंबर है उसे आपको सिलेक्ट करके लिख देना है तो एम एरे ट्री का मोस्टली वो डेफिनेशन टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं तो बस आपको पता होना चाहिए लास्ट पार्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइनरी ट्री बाइनरी ट्री मतलब दोस्तों यहाँ पे जो डिग्री होगा नोड का वो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कितना हो जाना चाहिए एटमोस्ट टू उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एटमोस्ट टू से ज्यादा जाना ही नहीं है या तो टू से कम चलेगा One रहेगा चलेगा, जीरो तो नोट का डिग्री कितना है, है।, है दोस्तों अगर आप देखोगे उसके जीरो है तो देखो अगर दोस्तों यहां पे डिग्री कितना है टू है यहां पे कितना है जीरो है यहां पे कितना है टू है यहां पे कितना है दोस्तों वन है यहाँ पे देखो कितना है दोस्तों टू है यहाँ पे कितना है जीरो यहाँ पे जीरो यहाँ पे कितना है दोस्तों वन है यहाँ पे कितना है जीरो है तो क्या इससे आप बाइनरी ट्री बोल सकते हो यस yes, बोल सकते मैंने क्या बोला मोर ज्यादा से ज्यादा टू वन रहेगा तो भी चलेगा जीरो रहेगा तो भी चलेगा तो एटमोस्ट टू इसलिए हम बोलते हैं अगर दोस्तों यहाँ पे सभी के जितने भी यहाँ पे आपको नोट दिखाई देंगे अगर सभी के डिग्री अगर टू टू आपको दिखाई दे तो आप उसे क्या बोल सकते हो दोस्तों फुल बाइनरी ट्री बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये भी टू है यहाँ पे अगर आप बात करोगे दोस्तों देखो इससे भी कनेक्टेड दो है इस वाले से भी कनेक्टेड क्या थे दोस्तों टू थे यहाँ से भी कनेक्टेड कितने थे टू थे तो इसे है। देखो लास्ट वाले को आपको लेने की जरूरत नहीं है जो जिस तरह से हमने पढ़ा है कि लिफ्ट लिफ्ट नोट जो पढ़ा है पर बाकी के सभी पोजिशन पे आप देखोगे टू 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 आ रहा है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों अगर सेम आ रहा है टू 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 आ रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे फुल बाइंड ट्री बोलेंगे या तो रेगुलर बाइंड्री ट्री भी हम बोल सकते हैं तो देखो लिखा है ट्री ट्री इज द इन एवरी नोड और वर्टेक्स हैज टू चाइल्ड चाइल्ड मतलब ज्यादा ज्यादा से दो ही होने चाहिए उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बिठा दिया है और आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से सभी पार्ट को, को समझ रहे हो और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में चीजों को अटेम्प्ट करोगे अब इसके बाद दोस्तों बहुत सारे एल्गोरिथम है इसके अंदर उस अल्गोरिदम का पार्ट हम फटाफट क्या करेंगे स्टार्ट कर देंगे चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं मतलब एंड करते हैं बाय बाय टेक केयर जय हिंद दोस्तों